हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं निकली हूँ ऐसे ही सैर करने के लिए और चलते चलते काफ़ी दूर निकल आई हूँ और ये गांव में आ चुकी हूँ। और ये देखिए, एक ट्रैक्टर से काफ़ी सारे, आप देख सकते, पूरा भुट्टा कहीं से हार्वेस्ट होके, किसी खेत से हार्वेस्ट होके जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस समय चारों तरफ भुट्टा की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो मैं भी कोई खेत खोज रही हूँ जहाँ पर मुझे लोग दिखे हार्वेस्टिंग करते हुए और मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ये खेत दिख रही है एक, और यहाँ मुझे लोग दिख रहे हैं, दूर में कुछ लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं और मैं खोज रही हूँ कहाँ से मैं इस खेत के अंदर जा पाऊँ। और एट लास्ट मुझे जगह मिल गई है जाने के लिए। ज़्यादातर जो खेत होता है, आप देख सकते कि जो तार जाली से वो घेरा होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है रास्ते से सीधे डायरेक्ट खेत पे जाना। तो फाइनली मैं खेत के अंदर आ चुकी हूँ और फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ जो लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास, और हम लोग देखते हैं किस तरह ये लोग हार्वेस्ट करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, भुट्टा के जो पौधे हैं आप देख सकते हैं, सूख चुका है, और ये जो लगे हुए भुट्टा है ये भी पूरी तरह ड्राई हो चुका है और थोड़ा सा काला काला भी नज़र आ रहा है। ये शायद बारिश की वजह से हुई है, अभी बीच में एक दो दिन बारिश हो गई थी। और लगभग सारे ही भुट्टे पक चुका है, सूख चुका है पेड़ में ही। ये क्या काला, ये बारिश में हो गया ऐसा? बारिश की वजह से ऐसे काले पड़ गए? ये भुट्टा चारा के लिए यूज़ होगा या इंसान, आप लोग मार्केट में बेचोगे? मार्केट में बेचने के लिए। अच्छा, तो मार्केट में ऐसा कहाँ बिकता है, मार्केट में तो लग के बिकता है ना। তোমরা বাংলা বাংলায় কথা বলো কি? আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক ঠিক ঠিক। তো এগুলো এগুলো ছাড়াচ্ছ কেন তোমরা? এই যে এগুলো ছাড়াই তো ভাঙাবো। আচ্ছা, কিন্তু যেটা মার্কেটে বিক্রি হয় না, ওইটা তো তোমার লেগে থাকে না, এর উপরে যে ওইটা বেরোয় যাবে না, তারপরে ভিতরের এই আটিগুলো আলাদা হয়ে যাবে। আচ্ছা, আলাদা করবে, ওটা মেশিন আলাদা করবে। তো এটা মনে মুরগি টুরগি ওদের খাবারের দানা তৈরি হবে যতদূর? দানা অনেক কিছু, দানা অনেক কিছু। আচ্ছা, এটা কত দিনে তোমরা এটা করে নেবে? এখনই হয়ে যাবে, এটা ওইটাও হয়ে যাবে। আচ্ছা, কব লাগায় থে? জানুয়ারি কে পহলে লাগায় থে। ওকে, তো ইয়ে হো গিয়া জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, অপ্রিল, তো পুরা 4 মহিনা। 4 মহিনে से ज्यादा ही। अच्छा, दिसंबर में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इधर खेत में पूरी तरह कट चुका है और फसल तोड़ चुके हैं। ये देखिए, इकट्ठा करके रखे हैं और इसके बाद ये सारे यहाँ से लेके ये लोग कहीं मील वगैरह में लेके जाएंगे, जहाँ जो दाने हैं वो अलग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दूर दूर जहाँ तक नज़र जा रही है, भुट्टे जो सूखे हुए, जो भुट्टे का जो पौधा है वो गिरा हुआ है और सारे फसल तोड़ चुके हैं। तो आप लोग दोपहर इतनी गर्मी में भी काम करते हैं सवेरे से या फिर शाम को? शाम को। और या बहुत सुबह सुबह काम करते होंगे? सुबह 5:30 बजे से 5:30 बजे से 10 बजे तक।
ठीक ठीक तो ये पूरा कितना दिन लग गया आपको इतना करने में? इतना करने में कितना दिन? अच्छा कल और आज, आज ये खत्म कर लेंगे आप लोग। अच्छा उधर भी तोड़ करके रखा हुआ है। ओके तो आप लोग इसके बाद फिर अभी कुछ नहीं करेंगे इस खेत में? धान और गेहूं वगैरह लगाते हैं? नहीं, नहीं गेहूं नहीं लगाते। और एक चीज पूछना चाहूंगी, ये जो बेचते हैं ये पर किलो में बिकता है, ये क्विंटल वगैरह में तो कैसे मिलता है पर क्विंटल इसका? अभी तो 2030 रुपए। 2030 रुपए तो कुछ फायदा होता है लगाने का, खर्च निकल आता है? आधा आधा रहता है। अभी रेट थोड़ा ज्यादा था ना, अभी डाउन हो गया। अच्छा अच्छा चलिए रेट बढ़ा रहे तो पिछले साल तो 1200-1300 में था। अच्छा 1200-1300 था पिछले साल, इस साल हो गया, इस साल थोड़ा रेट बढ़ गया है। 2030 रुपए बोले ना? 2200 था। अच्छा 2200 था दो दिन पहले। ओहो एक हफ्ता पहले अगर आप ये तोड़ लेते तो थोड़ा अच्छा हो जाता। तो दीदी आपका नाम थोड़ा सा बता देंगे? कोई नहीं, नाम नहीं बताना चाह रहे हैं दीदी लोग। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ जानकारी दिए है। ठीक है ठीक है। ये देखिए ये है बारिश, क्योंकि यहाँ एक दो बार बारिश हो चुकी है तो इसीलिए थोड़ा सा जो ये क्या कीड़ा है, कीड़ा थोड़ा सा ये बर्फ भी ओले भी गिर चुका है इसीलिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये मार्केट में डायरेक्ट खाने के लिए ये नहीं बेचा जाएगा, ये इससे इसके जो आप देख रहे दाने इसको निकाल के और फिर ये बहुत सारे चीज़ में यूज़ होता है। तो ये जो अंकल है, अंकल का खेत है ये पूरा खेत। तो अंकल आप यहाँ जो जगह है पखांजूर यहाँ पर कितने साल से आप है? तो खेती तो दिया है डीएन कामल में, डीएन जो सर्कल आया था डीएन कामल में। अच्छा में। अच्छा अच्छा तो कितने साल हो गए? तो 62 साल। अच्छा मतलब अभी आप यहाँ पर 60 साल हो गए, 62 में से यहाँ पर है तो ये अभी 22 चल रहा है तो 60 साल से ज्यादा आप यहाँ पर कर रहे हैं। 78 साल हमारा उम्र कितना है? 78 78 years है आपकी उम्र? ओ माय गॉड। सब कुछ खाते हैं और बाप रे वो देख के तो नहीं लग रहा 78, इतना काम कैसे कर ले रहे हैं आप? ये जो खेत आप देखे ये पूरा जो अंकल है इन्हीं का है और आप देख सकते हैं जो खेती वाले जो अपने एज में भी जो शहर के लोग इतना काम नहीं कर पाते, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने अच्छे से कितनी तंदुरुस्ती से अंकल जी काम कर रहे हैं यहाँ पर अपने खेत में, क्योंकि अपने खेत में और अपने फसल उगाने में अलग ही मज़ा है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यही समाप्त करती हूँ, नए वीडियो के साथ मिलते हैं और जल्दी मिलेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।